अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद नबील एंड आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम लोरेलाई मेडिकल कॉलेज लोरेलाई। आज का जो ये वीडियो होगा वो आपके सवालों के जवाब होंगे, मतलब जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं कि HEC का टेस्ट जो है वो कौन स्टूडेंट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, इनका क्या मतलब है, आउट का क्या मतलब है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, इनका मतलब जो कि बलूचिस्तान से जिसने FSC किया होता है, और आउट का मतलब जिसने बलूचिस्तान से बाहर FSC किया होता है। अब देखें, इस टेस्ट में ना वो सारे स्टूडेंट्स अपीयर होंगे जो कि जिसने HSC जिसने MD कैट दिया हो, चाहे वो पास हो चाहे वो फेल हो, कोई परेशानी की बात नहीं, आप सारे स्टूडेंट जो हैं टेस्ट दे सकते हैं। अब फाइनल क्राइटेरिया HEC क्या रखता है वो जब वेबसाइट में अनाउंसमेंट होगी तभी ही बताया जा सकता है। डिफरेंट एरियाज़ के मैसेजेस स्टूडेंट्स के आते हैं कि HEC का टेस्ट जो है 10 फरवरी को है, 10 के बाद है। देखें, सुनी सुनाई बातें हैं, फ़िलहाल जो हमें सुनी सुनी बातें मिली है कि 20 फरवरी के आसपास टेस्ट होगा, लेकिन ये भी कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। इसके लिए भी अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं हुआ, HEC जब अनाउंसमेंट करेगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो इसके बाद हम कुछ बात करेंगे आपको कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिसेंटली टेस्ट से फ्री हुए या पढ़ने का दिल नहीं करता, या फिर कुछ स्टूडेंट का टेस्ट पास नहीं हुआ और वो लोगों की बातें सुनकर ताने या तनकीद समझकर थोड़ा डिप्रेशन की तरफ हैं, वो हैरान है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि ज़िंदगी क्या है। ठीक है, ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी क्या है आप में से कोई, लव व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बता दूँ ना तो ज़िंदगी एक सफ़र है। ठीक है, ज़िंदगी एक सफ़र है। किसके दरमियान सफ़र है? ज़िंदगी और एक सफ़र है बिटवीन बी एंड डी। अभी आप लोग हैरान होंगे बी और डी के दरमियान कैसे। बी और डी के दरमियान इस तरह, बी का मतलब है बर्थ और डेथ, डी का मतलब है डेथ। ठीक है, मतलब ज़िंदगी एक सफ़र हुआ ना, बर्थ और किसके दरमियान, डेथ के दरमियान। व्हाट इज सी, सी कहाँ पे है, सी इज चॉइस। सी क्या है, सी चॉइस है कि आप क्या पसंद, आपकी चॉइस क्या होगी। अगर कोई आपको तनकीद करता है आप डिप्रेस्ड होते हैं, ये भी आपकी चॉइस है, या अगर आप हंस के जवाब देते हैं वो भी आपकी चॉइस है। तो देखें, ज़िंदगी सिर्फ एक सफ़र है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें सी क्या है, सी जो है आपकी चॉइस है। तो आपने क्या चूज़ करना है ये आपकी मर्ज़ी, ये आपके पास डिफरेंट रास्ते निकलते हैं। ठीक है, आप कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी होगी। आप डिप्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं चले जाएँ, आप खुशी की तरफ जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं, आप लोगों की बातें सुनकर ख़ुद को परेशान और रोना धोना चाहते हैं ओके कंटिन्यू, अगर आप उनको हंसकर जवाब देना चाहते हैं वो भी एक रास्ता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने इन बातों को याद रखनी है। सेकंड पॉइंट ये आ जाता है, अगर कोई भी शख्स आपको सुना देता है ना कुछ, यार आपकी सीट नहीं हुई, आपने इतनी दफ़ा टेस्ट दिया आपका नहीं हुआ, क्या होगा कैसे होगा, फिलहाल ने इतनी दफ़ा दिया था हो गया, उनका भी नहीं हुआ। देखो, हर इंसान का एक डेस्टिनी होता है, किस्मत होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो दिन रात पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो वहाँ क्वालिफाइड नहीं कर पाते, फिर वो इन फ्यूचर बहुत अच्छी जगह चले जाते हैं। सब कुछ MBBS या डॉक्टर भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, ये बात याद रखना मेरी। आप, मैं मानता हूँ ये एक जुनून है, ये क्या है, एक जुनून है, एक ख्वाहिश है कि हम डॉक्टर बन जाएं। और कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। अगर बार बार कोई आपको तंग कर रहा है ना कि आपका नहीं हुआ, आपने ये किया, तो एक लाइन याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ अभी। कहते हैं कि फलदार की किस्मत में है पत्थरों की मार, क्या, ठीक है, सॉरी, फलदार की किस्मत में है पत्थरों की मार। ठीक है, फलदार की किस्मत में है पत्थरों की मार, ये हौसला नहीं
ये हौसला नहीं तो बेसमर रहो। समझ आ गई होगी। देखें, जिस दरख्त पे ज़्यादा पत्थर लगते हैं ना लोग, सॉरी, जिस दरख्त पे ज़्यादा फल लगते हैं ना लोग उसको ही पत्थर मारते हैं। याद रखना ये बात, ठीक है? जिस दरख्त में मीठे फल लगते हो ना तो पत्थर उसी को ज़्यादा लगते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, आपके अंदर कुछ ऐसा ज़रूर है जो कोई आपको कुछ बोल रहा है या बोल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, आप ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट, या आप ये एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट देख रहे हैं तब भी ठीक है, या HEC की एंट्री टेस्ट, HEC का देने वाले हैं आप लोग, वो भी देख सकते हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक चलेगी यूट्यूब में, ठीक है? तो जहाँ तक, जितने साल तक, जितने टाइम तक इस वीडियो को होंगे, तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। याद रखें, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना तो फ्री टाइम पे हॉस्पिटल जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं फ्री टाइम, ठीक है? क्यों जाएं? आप वहाँ जाएंगे ना, आपके सामने बहुत सारी जो है पेशेंट्स होंगे, तो आपको एक चीज़ अंदर से एक आवाज़ देगी, ठीक है? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उभरेगा। तो याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगा। और जो वैसे भी जो मुकाबला नहीं कर सकते ना, वो क्या करते हैं? तनकीद। जो मुकाबला नहीं कर सकते हैं वो तनकीद करेंगे। याद रखना ये बात मेरी। अगली पॉइंट यह आ जाता है कि देखो, ज़िंदगी में ना एक बात ये भी है, जब आप खुद से हार जाए ना, जब आप वाकई आपके अंदर कुछ, मतलब आपके अंदर कोई वीडियो काम ना करे, कोई शख्स की बात, कोई कही हुई शख्स की बात आपके, मतलब आप गेन ही नहीं कर पाओ कि मुझे क्या हो रहा है, ठीक है? तब याद रखना कि आप जो हो ना, आप किसी की हौसला हो, या आप किसी का हौसला हो, आप लड़का भी हो सकते हो, लड़की भी हो सकती हो, ठीक है? अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है ना, तो आप किसी की हौसला हो। याद रखना, अपने आप से सवाल करना। क्या सवाल करोगे या करोगी? कैसे कहूं थक गया हूं मैं, कैसे कहूं थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और ये सच है, आप किस किस के हौसले हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है? तो याद रखना ये लाइंस जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये महज लाइन हैं, लेकिन ये लाइन बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप डीपली इनको समझने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब फिर वही बात आ जाती है कि आपने अपने टारगेट को ही अचीव करना है, ठीक है? आपने किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, कोई क्या कहता है वो साइड पे करें। ज़िंदगी में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जिनको किसी ने हमेशा कुछ ना कुछ सुनाया होता है, किसी ना किसी ने हमेशा डराया होता है। तो फिर वही बात कि आपने अपने टारगेट की तरफ जाना है। अगर आपने ए से लेकर बी तक जाना है तो आपने क्या करना है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है। अगर आप इस शख्स को सी डी या ई भी प्रेजेंट है, इसको भी जवाब देंगे, इसको भी जवाब देंगे, इसको भी जवाब देंगे, तब यहाँ पहुँचेंगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा। पहुँच तो जाएंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो आपने टू द पॉइंट क्यों नहीं जाते? कहने वाले को कहने दे यार, कुछ कोई वो नहीं होता। आप एक दफ़ा याद रखना, जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे ना, तब आपके सराउंडिंग में बातें होंगी कि ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद जब आपने वो अचीव किया होता है ना, तो वही लोग आके आपसे कहते हैं, उफ यार, ये तो बहुत अच्छा काम है, मुझे भी सिखाओ कैसे करते हैं। ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है, बस तीन काम करना। पहला काम, अल्लाह से कनेक्ट रहना, रब को राज़ी करने की कोशिश करना। दूसरा काम, अपने फैमिली, उनसे सिंसियर रहना। तीसरा काम, अपने ऊपर काम करना, यानी खुद से सीरियस रहना, खुद के लिए सीरियस रहना। ये तीनों काम आप जब भी करेंगे ना, मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको जो है ना, कोई बात नहीं, फेलियर भी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं और हम कभी फेल नहीं हुए, ऐसा नहीं होता। हम सारे, मैं हूँ, मुझसे आए, मुझसे गए, या जो भी आएंगे, देखिए फेल पास ये होता रहता है कभी। हम ऐसा होता है, हम सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो उनको गिरा कर संभलना ये अच्छी बात है, लेकिन गिर कर मज़ीद गिरना ये गलत बात है। तो होपफुली आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैदान नहीं छोड़ना। एग्जाम्पल वही बात आ जाती है कि अगर आप क्रिकेट मैदान में खड़े हैं, क्रिकेट मैदान को भी छोड़ दें, एक सिंपल बात बता देता हूँ,
अगर कोई आपके लिए बातें करता है ना, आपके मतलब आपको टारगेट करता है या करती है, तो एक बात फिर मेरी याद रखना, बातें तो बहुत सारी हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी। लास्ट बात मैं यही कहूँगा कि अपने खिलाफ बातें सुनकर परेशान मत होना, क्योंकि मैदान में शोर तमाशाई करते हैं, खिलाड़ी नहीं। समझ आ गई ना बात की? अगर आप मैदान में खेल रहे हैं ना, तो हमेशा तमाशाई शोर करते हैं, बाहर से शोर आती है, खिलाड़ी शोर नहीं करते, वो अपने टारगेट पे ही लगे रहते हैं। तो आप गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो, मतलब रिगार्डिंग स्टडी या कोई भी इस तरह की बात, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, और आप स्टूडेंट्स की के सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मैं मेरे भी कुछ ख्वाहिश हैं, विश हैं, मैं वो कंप्लीट कर सकूं। उम्मीद है आप सारे स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे शेयर भी कर देना। शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इतना तो कर लो ना, सब्सक्राइब तो कर लो। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।